राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ आइवरी नेचुरल कंपनी के ब्लैक हेयर कलर का रिव्यू करूंगी। बात करें इसकी पैकेजिंग की तो ये कांच का कंटेनर है और इसके अंदर इन्होंने कलर दिया हुआ है, तो जैसा कि आप भी देख रहे होंगे पैकेजिंग काफ़ी सुंदर है। तो अब मैं आपको इस कलर को अंदर से दिखाती हूँ कैसा है और इसकी मिक्सिंग भी दिखाती हूँ कि आपको कैसे इसकी मिक्सिंग करनी है। इस हेयर कलर का नेट वेट 30 ग्राम है और ऑनलाइन ये आपको 699 रुपीज़ की मिल जाएगी। कंटेनर को ओपन करने के बाद अंदर से ये एक फाइन पाउडर है और ये ग्रीन कलर का है। इस हेयर कलर पाउडर को मिक्स करने के लिए प्लास्टिक या कंच का बाउल ही लें। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप इसको पूरी क्वांटिटी में डाल लें और अगर आप थोड़ा ही इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से निकाल कर इसे हल्के गुनगुने पानी से मिक्स कर लें। बहुत अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लें और 5-7 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें। पानी में मिक्स करने के बाद ये डार्क ग्रीन कलर का हो गया है, जैसे कि आप मेहंदी यूज़ कर रहे हों। बालों में अप्लाई करने से पहले आपके बाल शैम्पू से धुले हुए होने चाहिए और सूखे हुए होने चाहिए, किसी भी तरह की कोई ऑयल और डस्ट नहीं होनी चाहिए। तो आप मेरे वाइट हेयर देख सकते हैं। आइवरी नेचुरल हेयर कलर पैराबिन फ्री, अमोनिया फ्री और हार्मफुल केमिकल फ्री है। इसे अपने हेयर्स पे अप्लाई करने से पहले आप अपने हाथों में ग्लव्स पहन लें। आप इसे ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं और अपने हाथों से भी इसे अपने बालों पर लगा सकते हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। पार्टिंग करते जाना है और अपने बालों में इस कलर को अप्लाई करते जाना है। पहले आप इसे रूट्स में लगा लें और उसके बाद आप इसे अपने पूरे हेयर्स में नीचे तक लगा सकते हैं। ये हेयर कलर ऑल हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है। इस हेयर कलर की स्मेल की बात करें तो बिल्कुल भी मुझे इसमें कोई भी किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आ रही थी। इस हेयर कलर के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं हिना, इंडिगो, रतनजोत, भृंगराज और आंवला। इसके एडिशनल इंग्रेडिएंट्स हैं रोजमेरी, हिबिस्कस, शिकाकाई, ब्रह्मी, ब्लैक टी, नीम, तमरा भस्म और लोहा भस्म। सारे हेयर्स में इस कलर को अप्लाई करने के बाद इसे आप टाई अप कर लें। इस हेयर कलर को मैन एंड वुमेन कोई भी यूज़ कर सकता है। बालों में कलर को इस तरह से नीचे से भी आप अपने अप्लाई कर लें ताकि कोई भी वाइट हेयर ना रह जाए। इस कलर को पूरे बालों में लगाने के बाद आपको 45 मिनट तक छोड़ देना है। अब 45 मिनट के बाद बिल्कुल सिंपल पानी से वॉश करना है और 48 घंटे तक ना तो शैम्पू यूज़ करना है और ना ही आपको कंडीशनर यूज़ करना है। बालों को वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह का मेरे बालों पे कलर आया है। इस हेयर कलर का कलर बिल्कुल डीप ब्लैक आता है। बाकी इस पर मेंशन है कि ये एक ऑर्गेनिक हेयर कलर है, पैराबिन फ्री और अमोनिया फ्री है और ऑल हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड